और हाँ, इनके दूल्हे से भी मिल लीजिएगा। मेहंदी लगा के आई, बिंदिया सजा के आई, चूड़ी कनका के आई, पायल छनका के आई। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। बालों के प्रेम ने सोनी और जीत की करवाई शादी। अपने लंबे खूबसूरत बालों को बचाने के लिए सोनी ने वीर से की बेवफाई। अगर यकीन नहीं आता तो खुद सोनी की बहन माही से पूछ लीजिए। अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो खुद सोनी और जीत से ही पूछ लीजिए। जहाँ तक मेंटली प्रिपेयर करने की बात है तो उसको टकला होने से ज्यादा शादी करना मंजूर था शायद। इनको वो गंजा करने वाली थी और ये जीत से कभी दिखा नहीं चाहता, एंड ना ही टकला करने वाली थी, बट जैसे वो जुल्म ढा रही थी इन पर, कहीं ना कहीं सोनी के आंसू जीत नहीं देख सकता, तो आई एम श्योर इस वजह से उसकी मांग भर दी उसने। सुन लिया आपने, हमने ना कहा था कि सोनी को अपने बालों से इतना प्रेम है कि इसके लिए उसने जीत से दूसरी शादी करने के लिए भी देर नहीं की। बालों से प्रेम के अलावा अपनी सोनी सफेद और फीके कपड़ों से बेहद बोर हो गई थी, इसीलिए निर्माताओं ने उनकी दूसरी शादी करवाने की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। क्योंकि मैंने व्हाइट कपड़े पहने, चार महीने मैंने सफेद कपड़े पहने, उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। आई थिंक शिल्पा, अभी हम सोनी से हट जाते हैं और शिल्पा पे आ जाते हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि शिल्पा को इतनी खुशी नहीं है कि सोनी की जीत से शादी हो रही है, उसको इतनी खुशी है कि सोनी को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए। शादी के जोड़े में सजी धजी सोनी को जीत के साथ कमरे में देखकर आपको ये लग रहा होगा कि इनकी शादी हो चुकी है। ऐसा है नहीं, क्योंकि इनकी शादी अभी फिल्माई नहीं गई है और वैसे भी इनकी शादी धूमधाम से थोड़ी होने वाली है। शादी धूमधाम से भले ही ना हो, लेकिन सोनी तो इतनी खुश है कि इस रजिस्टर्ड मैरिज के लिए भी उसने एक भारी भरकम लहंगा डिजाइन किया है। क्यों सोनी? इसलिए फिर भी मेरी रजिस्टर्ड मैरिज हो रही है मायका में जीत के साथ, लेकिन फिर भी मैं एकदम चार महीने से सिर्फ सफेद कपड़े पहने तो मैं बहुत, जैसे ही पता चला कि मेरी जीत के साथ शादी हो रही है तो मैंने कहा कुछ अलग किया जाए। अब शादी सिंपल तरीके से हो रही है तो खाने की दावत थोड़ी ही होगी, इसीलिए सेट पर पंजाबी सोनी गुजराती ढोकला खाने में बिजी दिखी। पेट पूजा का सवाल जो है। खैर, सिंपल तरीके से ही सही, बालों के प्यार के लिए ही सही, जीत ने अपनी विधवा भाभी से ब्याह रचा लिया है और शादी के बाद तो वो सोनी को दोस्त बनाने की सोच रहे हैं। ये तो होगा नहीं, क्योंकि आपको याद है ना, ये दोनों पूर्व प्रेमी जो थे। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ स्टार न्यूज़ रिपोर्ट।